नीट यूजी के आयोजन में कथित गड़बड़ी को लेकर राजस्थान के कोटा शहर में सोमवार को प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई। पहली FIR में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टेकराम जूली, विधायक अशोक चंदना, चैतन पटेल और सीएल प्रेमी का नाम शामिल है, जबकि दूसरी FIR में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, नईमुद्दीन गुड्डू, मोइजुद्दीन गुड्डू, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित अन्य नाम शामिल है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर सोमवार को कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें से एक मुद्दा नीट परीक्षा को रद्द करने का भी था। इस दौरान कलेक्ट्रेट चौराहे पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लगाई बैरिकेटिंग को हटाकर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी देर बहस और धक्का मुक्की भी हुई थी। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर किया था। इसके बावजूद भी कांग्रेस नेता बैरिकेटिंग के सामने जमा रहे थे। कोटा में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सर्किट हाउस के बाहर आयोजित सभा में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोटा रेंज की IG के बारे में धमकी भरे अंदाज में कहा था, तो श्रीमान रविंद्र गौर साहब, आप अपनी आदत से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी नौकरी में पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, न ओम बिरला बचा सकेगा, न भजनलाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, आपके पूरी नौकरी के कार्य कारनामों पर करके इस पटल के ऊपर रखने का काम करेगा। और ये शुरुआत मैं कोटा से आज आपके यहाँ से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूँ, मिस्टर रविंद्र गौर, अपने आप को संभालने वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा जीना हराम कर देगा। कानून के मुताबिक काम करो वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी पीडी CBI GT PT कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में आदमी जाते हैं, पशु नहीं जाते हैं। गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए। तुम कितनी होगा तुम्हारी ये कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद डोटासरा करें। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा भी कांग्रेस नेताओं ने कोटा रेंज की IG द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन परेशान करने के आरोप लगाए। इस पूरे मामले पर कोटा SP डॉक्टर अमृता का कहना है कि पूरे घटनाक्रम वीडियोग्राफी कराई गई थी। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस से टकराव की स्थिति बन गई थी, इसलिए पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की शिकायत पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने धक्का मुक्की, गाली गलौज, राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने मारपीट भी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।